यहाँ उपस्थित हो रहे हैं कविता के प्रति उनका इतना समर्पित भाव है, तो मुझे लगता है उनका स्वागत आप और उनका मिलकर करते हैं। बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर अनुज त्यागी जी ने, अब इधर बैठ जाओ, खाली हो गया। नहीं, मुझसे तो कह रहे थे कि क्या बताऊं कि तुम्हारी भाभी जो है नर्स है, उसको हॉस्पिटल के घर में भी कभी कभी सिस्टर बोल देता हूं। बहुत प्यारे लोग हैं आप लोग। और जब रुचि जी राधा कृष्ण के गीत पढ़ रही थी, तो हमारे चचा बैठ करके जिस मन से सुन रहे थे, मुझे याद आ रहे थे मोहम्मद रफी नौशाद साहब, शकील बदायूनी के वो गीत जो कभी गाए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रेम भरा वातावरण पूरे देश में सीखना हो तो कोई आए सहारे। मैं तो देखो जी बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ, ज्यादा देर गंभीर रहता नहीं हूँ, थोड़ी बहुत चुटकियां लेता रहता हूँ। अरे बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो और क्या चाहिए। और बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सौभाग्यशाली आदमी हूँ, बता पिछले दिनों एक रेल यात्रा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कुछ लोग अगर मेरी बात, अगर एक भी बात के स्लिप हो गया तो उस बात का मजा खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे देख लो। अगर चाय वाले ना हो तो बैठ जाओ। वो कह रहे थे दो बार चाय वाला आ गया, तीन बार चाय वाला आ गया, मैं कह नहीं अभी दो बार आया। तीसरी बार आना है नहीं आना है, हम 24 में तय करेंगे। बड़ा सौभाग्यशाली आदमी हूँ सर, एक रेल यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त। वॉशरूम जाना रेलगाड़ी में अपने आप में बड़ा सौभाग्य का विषय। रेलगाड़ी के बाथरूम में गया तो वॉशरूम में टेलीफोन नंबर लिखा था वहां की दीवार पे, बाथरूम की दीवार पे टेलीफोन नंबर 9424 फला 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 फला, और नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने इस आपदा को ऑप्शन में बदला, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। मुमताज जी सुनना, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? बिल्कुल ऐसा मेरे मन से आवाज है। फोन उठा, बातचीत शुरू हुई, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जो जवाब आया, अगर इस सदन में आपने पहली बार ऐसा जवाब सुना अनोखा, तो फिर मेरे समर्थन की तालियां शुरू देना, मुझे प्रारंभ करना। अगर ऐसा अद्भुत जवाब कहीं ना सुना हो तो फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? तो जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। गुजरात में चुनाव में काम करना है, मैं भी चला गया भाई, सदस्यता ले रखी थी, गया। उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स मुझे दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां लगाओ, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स, चुनावी नारे लेके अपनी बात 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी। मैंने भी सबसे बड़ा होर्डिंग उठाया और उपयुक्त स्थान पर लगा के आ गया, बैनर में लिखा था आपकी बात 200 पार। मैं लगा आया पेट्रोल पंप पर। आपकी
200 पाल आगे निकला तो सब्जी मंडी पड़ी, सब्जी मंडी में खाली स्थान दिखाई दिया, वहां पे चिपकाया ही था नीचे टमाटर वाला बैठा था। मैंने भाई कैसे दिए, पहली बार उसने कभी को टमाटर खरीदते देखा। मैंने भाई कैसे दिए, कहने लगा 200 रुपए किलो। मेरी नजर अपने हुए लगाए हुए मैदान पे पड़ने के जा रहा, इस पे साफ साफ लिखा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मेरी हरकत को कुछ कांग्रेस ही देख रहे थे, उन्होंने कहा ये आदमी अच्छा है, हमारे लिए तो कैसी हरकत करता। उठा के ले गए कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में बिठा दिया। तभी अचानक मुझे ध्यान आया कि यार एक बैनर लगाना बचा है, इसको भी लगा दो। आखिरी बैनर मैंने चुनावी कांग्रेस चुनावी कार्यालय कांग्रेस के सामने लगा दिया। सही बैनर सही जगह लगाया हो तो आपकी तालियां मुझे प्रारंभ करेंगी। आखिरी बैनर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के सामने लगा दिया, आएगा तो मोदी। कांग्रेस कार्यालय से भी ऐसी आवाजें आने लगी, हमारे नेताओं देश कर नोट गुलाबी देख
अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने आपको सब वो चेहरा दिखाने के लिए, इतना एहसान नहीं खुद का तमाशा करना करेगा चाहिए और बहुत सारी Thank you.
और मंच पे एकमात्र हमारी बहन चली गई, मुमताज जी आपको कि कन्हैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया। ये जो दो तीन आह निकली है ना, थैंक यू सर, पूरी थकान उतार दिया। वाह वाह, हम लोग बहुत थके आज दिन से, मैं मुझे वायरल हो रखा था, लेकिन इस मंच पर आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी भी प्रकार से अस्वस्थ रहा। बहुत ऊर्जा दे दी आपकी ये कहा कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है, वहशी बन कर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरी, डर के मारे कलियों ने मुस्काना छोड़ दिया। अभी शाख पर कोपल फूटी अभी नोच कर खाई, अभी शाख पर कोपल फूटी अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी पंखुड़ियों ने खुशबू के मुंह ताले लगा दिए, शबनम की बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए, पुरवाई से शाख गिरे तो दिल पत्तों के कांपे, पुरवाई से शाख गिरे तो दिल पत्तों के कांपे, जहाँ घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए, घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं, अरे कौन करेगा बोलो मुझे गुलशन की भरपाई, आई कैसी बेहयाई, आई कैसी होते हैं नवराते नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते, क्या बात है क्या बात है, सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते, अरे जहाँ कृष्ण भी चीर पराने स्वयं खड़े हो जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहाँ मिट जाते, अपमानित करने वालों के दिल में पत्थर रख के सुना, अपमानित करने वालों के वंश जहाँ मिट जाते, अरे वहाँ दरिंदों ने दो महीने की बच्ची तड़पाई, कैसी बेहयाई, मीराबाई ने सुनकर एक तारा तोड़ दिया है, बांसुरिया ने भी सांसों से रिश्ता तोड़ दिया है, तन्हाई में फबक रही बिस्मिल्ला की शहनाई, बिटिया को पैजनिया माने डर कर न पहना, बिटिया को पैजनिया माने डर कर नहीं दिलाई, अरे टूट गए विश्वास कराती अपनों की परछाई, टूट गए विश्वास करा दो बेटियों का पिता कविता पढ़ रहा है सुनना, टूट गए विश्वास कराती अपनों की परछाई।